आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है निर्गमन की पुस्तक 36वां अध्याय वचन 1 से 19। बसलेल और ओहोलियाब और सब बुद्धिमान जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवा के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, वे सब यह काम करें। तब मूसा ने बसलेल और ओहोलियाब और सब बुद्धिमानों को जिनके हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश दिया था, अर्थात जिस जिस को पास आकर काम करने का उत्साह हुआ था, उन सबों को बुलवाया। और इसराइली जो जो भेंट पवित्र स्थान की सेवा के काम और उसके बनाने के लिए ले आए थे, उन्हें उन पुरुषों ने मूसा के हाथ से ले लिया। तब भी लोग प्रति भोर को उसके पास भेंट अपनी इच्छा से लाते रहे, और जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे, वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए और कहने लगे, जिस काम को करने की आज्ञा यहोवा ने दी है, उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए हैं। तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया, क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट न लाए। इस प्रकार लोग और भेंट लाने से रोके गए, क्योंकि सब काम बनाने के लिए जितना सामान आवश्यक था उससे अधिक बनाने वालों के पास आ चुका था। काम करने वाले जितने बुद्धिमान थे, उन्होंने निवास के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के और नीले बैंजनी और लाल रंग के कपड़े के 10 पर्दों को काढ़े हुए करूबों सहित बनाया। एक एक पर्दे की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हुई। सब पर्दे एक ही नाप के बने। उसने 5 पर्दे एक दूसरे से जोड़ दिए और फिर दूसरे 5 पर्दे भी एक दूसरे से जोड़ दिए। और जहाँ ये पर्दे जोड़े गए, वहाँ की दोनों छोरों पर उसने नीले नीले फंदे लगाए। उसने दोनों छोरों में 50-50 फंदे इस प्रकार लगाए कि वे एक दूसरे के सामने थे। और उसने सोने के 50 अंकड़े बनाए और उनके द्वारा पर्दों को एक दूसरे से ऐसा जोड़ा कि निवास मिलकर एक हो गया। फिर निवास के ऊपर के तंबू के लिए उसने बकरी के बाल के 11 पर्दे बनाए। एक एक पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हुई, और 11 पर्दे एक ही नाप के थे। इनमें से उसने 5 पर्दे अलग और 6 पर्दे अलग जोड़ दिए। और जहाँ दोनों जोड़े गए, वहाँ की छोरों में उसने 50-50 फंदे लगाए। और उसने तंबू के जोड़ने के लिए पीतल के 50 अंकड़े भी बनाए, जिससे वह एक हो जाए। और उसने तंबू के लिए लाल रंग से रंगी हुई मेढों की खालों का एक ओढ़ना और उसके ऊपर के लिए सुइसों की खालों का भी एक ओढ़ना बनाया।